जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी जीव जंतु जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अपना अलग अलग समय जो उनका लाइफ स्पैन होता है उसको काटते हैं और एंड में मर जाते हैं, डेथ हो जाती है सबका अलग अलग। ये जो अगर एवरेज लाइफ स्पैन हम देखें तो हर किसी का अलग अलग होता है। कोई 200 साल तक जीता है, जैसे हमारा टर्टल कछुए हो गए, टॉर्टाइज हो गया, कोई 200 साल तक, कोई 10 साल 20 साल, कोई और कुछ कुछ दिन ही जीते हैं, कुछ इंसेक्ट्स कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो कुछ ही दिन जीते हैं। अच्छा, हाइड्रा को देखें तो इसमें हाइड्रा एक्सेप्शन होता है, उसको इमोर्टल माना गया है कि वो ना उसमें एजिंग की प्रोसेस होती ना वो मरता, उसमें एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हम देखेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, सूक्ष्म जीवों को छोड़ के, बाकी सब में ये कॉमन है। सभी जानवर पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फिर एक मैच्योरिटी आती है, उसके बाद एक सेनेसेंस फेस आता है जिसको ओल्ड स्टेज भी कहते हैं। सेनेसेंस फेस आते हैं, व्यस्क हो जाते हैं वो मैच्योरिटी, और एंड में एजिंग के बाद डेथ हो जाती है किसी ना किसी कारणवश। तो जो मौत होती है वो आखिरी होती है, बिल्कुल सेनेसेंस फेस की एंड हो जाता है उसके बाद इंसान का। तो मरने के जो है बहुत से कारण हैं, पर हम लोग सिर्फ जो नेचुरल कॉजेज है उनकी बात करेंगे, क्योंकि लाइफ स्पैन में भी हमारे नेचुरल कॉजेज की बात होती है। एक्सीडेंटल डेथ और इन सब को हम नहीं मानते, हम नेचुरल कॉजेज की देखेंगे। और हमारे शरीर में वक्त के साथ कुछ बदलाव आने लगते हैं, जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है मैच्योरिटी के बाद, हम ग्रो करने के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें कुछ हमारे बॉडी के अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। आइए उनको बदलावों को मैं कुछ बताता हूँ जो एजिंग के साथ आपको होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ। शरीर वक्त के साथ और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे जो हार्ट होता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ब्लड को पंप करने की, साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे वो डाइजेस्ट खाना पचाने को लेकर हो या कई तरीके की काफ़ी, चाहे फैट स्टोर करने को लेकर हो या किसी भी तरीके की जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही है, वो वक्त के साथ धीरे कम होने लग जाती हैं, स्लो होने लग जाती हैं। और साथ में जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, हमारे टेस्ट बड्स होते हैं टंग में, वो भी कम, उनके जो नंबर होता है वो भी धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लग जाती है, तो हम टेस्ट भी कम कर पाते हैं एज के साथ। और जैसे हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, कम उनका प्रोडक्शन रेड बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल का कम हो जाता है। और जो सेल्स को रिपेयर करने की रिप्लेस करने की टिश्यूज़ को रिपेयर या रिप्लेस करने की जो क्षमता होती है वो बॉडी की शरीर की धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, देखने की शक्ति जो होती है इंसानों की वो कम हो जाती है। इन सभी बदलावों को एजिंग कहते हैं। धीरे धीरे एक नहीं तो दूसरे कारण से एंड में डेथ ऑर्गेनिज्म की हो जाती है, मौत हो जाती है। इसका कोई कुछ भी, पर एजिंग इसका कोई कारण नहीं होता, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, एजिंग कोई कॉज नहीं है, एजिंग की वजह से होती है। अगर कोई बीमारी लग जाए, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाए, कोई बीमारी लग जाए तो डेथ उस वजह से हो सकती है, पर एजिंग इसका कोई कारण नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों नर्व सेल्स की डेथ होने लग जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ। क्या होता है, नर्व सेल की जो डिवाइड करने की और नए नर्व सेल्स बनने की जो एफिशिएंसी होती है वो नर्व सेल्स खो देते हैं कम उम्र में ही, जब न्यू न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, पर बाद में हम देखें तो एजिंग के साथ ये न्यूरॉन्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे इनकी डेथ होती है, ऐसा माना जाता है कि 70 साल की उम्र तक हम 20% अपने नर्व सेल्स ब्रेन के खो देते हैं किसी ना किसी कारणवश, तो इसी की वजह से हमारी मेमोरी इफेक्ट होती है और बाकी सेंसेस भी अफेक्ट होती हैं। अच्छा, अब हम रीजंस की बात कर लेते हैं, जो एजिंग में रीजंस क्या होते हैं जिस वजह से एजिंग होती है हमारी धीरे धीरे करके। हर एक में एजिंग होती है, हर ऑर्गेनिज्म में एजिंग होती है, पर इसके कारण क्या होते हैं, कुछ कारण हमें पता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके 0.0001% में म्यूटेशन लगाए हर डिवीजन में, तो इतने आपके पास करोड़ों सेल है, वो हर बार डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा म्यूटेशन हो रहा है, वो म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो रही है एक जगह पे धीरे धीरे करके बॉडी में, वो बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है। क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी हो रही है, एबनॉर्मेलिटीज हो रही है और जीन म्यूटेशंस हो रही है, ये एक वजह होती है। अब जीन म्यूटेशन से क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन, जब जीन में इफेक्ट आएगा, म्यूटेशन होगा, तो प्रोटीन उसके इनएफिशिएंट या इनएक्टिव बनेंगे। जैसे हमारे लीवर में एक एंजाइम बनता है एल्डोलेज, वो धीरे धीरे करके
जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है वो इनफेक्टिव होता जाता है इन्हीं जीन म्यूटेशन और एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। अब हम दूसरे कॉजेज़ की बात करते हैं। एक कॉज होता है हमारा टीलोमर की वजह से। तो टीलोमर एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के एंड पर जो उसे दूसरे क्रोमोसोम से मिलने या अटैच होने से रोकता है और प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करते हैं टीलोमर्स जो होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। उनकी लेंथ होती है एक फिक्स लेंथ ऊपर होते हैं क्रोमोसोम की, उनकी लेंथ धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और जब ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो वो सेल्स उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते और मर जाते हैं। एक नेचुरल मैकेनिज्म है सेल्स के लिए जिससे सेल्स ज़्यादा डिवाइड ना करें और मर जाए। अब जैसे कैंसरस सेल्स में क्या होता है टीलोमर्स अपने बनाते रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं जिससे कैंसर हो जाता है। तो यही कारण है इस चीज़ का कि जो टीलोमर होता है वो भी एक वजह है हमारे जिससे सेल्स नॉर्मली हम उतने ही डिवाइड कर पाते हैं। जैसे उसकी एक फैक्टर 50 है ह्यूमंस के अंदर तो वो 50 बार ही सेल डिवाइड कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रक्चर को हमारे बचा के रखता है। अच्छा दोस्तों, जो स्टडी होती है हमारी एजिंग की उसको हम जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। इस फील्ड में आज भी हमें बहुत कम पता है, लिमिटेड पता है एजिंग के बारे में, डेथ के बारे में, आखिर अल्टीमेटली ये सब होता क्यों है। आखिर इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी इसकी स्टडीज़ धीरे धीरे कर रहे हैं हम, काफ़ी धीरे धीरे जान रहे हैं इसकी थ्योरीज। काफ़ी थ्योरीज इसमें आज भी है, काफ़ी थ्योरीज मैंने आपको बता भी दी है। अच्छा, हम एजिंग से नहीं मरते, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई वजह हो सकती है। एक कारण होता है मरने के लिए कोई कारण चाहिए, कोई रीज़न चाहिए। जैसे कोई प्रोलॉन्ग्ड आपको डिजीज़ है, कोई बहुत लंबी बीमारी चली आ रही है उससे हो सकती है, या बहुत सारे कोई वाइटल ऑर्गन आपका ज़रूरी ऑर्गन काम करना बंद कर जाए। कोई भी इससे भाग नहीं सकता, मौत से डेथ से कोई भी भाग नहीं सकता। एक बहुत ज़रूरी बायोलॉजिकल इवेंट है जो नेचर में हमारा बैलेंस बना के रखता है। सोचिए कोई मरे ही ना तो पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ जाएगी, खाने की कमी रहने की, हमारे सोर्सेज की बहुत बहुत कमी हो जाएगी सोर्सेज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।